देने का काम करता है, और यही काम कुछ कुछ आपका कोएंजाइम Q10 भी कर रहा था, वो भी सेल को पावर देने का काम कर रहा था। वो और ये दोनों सिमिलर से प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसकी अपनी खसूसियात हैं, इसकी अपनी खसूसियात हैं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। एग्जांपल समझ सकते हैं कि सूरज भी चमकता है और चांद भी चमकता है, दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर चमकते हैं, तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू। सोडियम फेरिडेटेट क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर? क्या आवाज नहीं आ रही है? विजय सर कह रहे हैं हमारे आवाज नहीं आ रही है, अगर आवाज नहीं आ रही हो आप लोग बता सकते हैं हमें। आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, हमारी साइड से आवाज ठीक है, आपके एंड से शायद कुछ हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो है सोडियम फेरिडेटेट। उसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, B1, B2, B5, B6, B12 और फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन शामिल है। ये आपके लिए काम क्या करता है, इसके नाम से ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए काम क्या करता है, क्योंकि देखिये नाम तो जो है सो है, लेकिन उसका काम हमें बताना होता है, क्योंकि जब हम पेशेंट को बताते हैं तो हम उसके काम के आधार पर बताएंगे। तो जैसा सोडियम फेरिडेटेट होता है, इसको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं आपको, तो ये एक आयरन की एक फॉर्म होती है जिसमें सोडियम का कॉम्बिनेशन होता है। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे इन चीजों को। तो सोडियम जो हमारे नमक में भी पाया जाता है, उसके अलावा जो पालक में पाया जाता है, तो ये आयरन और सोडियम का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। ये हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर में करता क्या है, ये हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि बच्चों के अंदर वजन बढ़ाने में मदद करता है, उनके अंदर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, और ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और जब ये विटामिन ई के साथ में मिलता है तो एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी कि जो लोग बढ़ते उम्र में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें भी ये उसमें रोकथाम पैदा करता है, उसको भी ये एकदम कहते हैं ना बढ़ती उम्र थमसी जाए, उसको ये काम करता है। उसके अलावा जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनके डैमेज में नुकसान होते हैं, उनके डैमेज में भी प्रिवेंशन करता है, उनसे बचाता है हमें। उनके अलावा हार्ट रिलेटेड डिजीज से भी लड़ने में मदद करता है। तो ये इतना सब कुछ काम करता है सोडियम फेरिडेटेट। उसके अलावा अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनको अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं उनसे भी लड़ने में मदद करता है। तो ये आपका जो Fe प्लस है, वो Fe प्लस आप किन किन में दे सकते हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड को भी दे सकते हैं आप अस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं आप इम्यूनिटी के लिए भी दे सकते हैं आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, प्लस जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है उनमें भी Fe प्लस दे सकते हैं। अभी तक हम खाली इसको इसलिए जानते थे कि ये खून की कमी को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है सोडियम फेरिडेटेट, तो ये इतना पावरफुल है। अच्छा, इसके अलावा लिवर के डैमेज को भी रीजनरेट करता है, जो लिवर हमारा डैमेज हो जाता है उसको भी रीजनरेशन में ये मदद करता है। उसके अलावा जो मेनोपॉज हो जाता है लेडीज के अंदर, उसकी जो तकलीफ होती है उससे भी निजात दिलाने में ये आपको मदद करता है, उसको भी ये तकलीफ को भी कम करता है। फ्रेंड्स, ये आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स, उन कैंसरस एलिमेंट्स को भी दूर करने में आपकी मदद करता है। तो ये जो सोडियम फेरिडेटेट, इसका एक कंटेंट है, ये कंटेंट इतना पावरफुल है, तो बाकी बचे हुए कंटेंट तो खैर हमारे पास और भी एक्स्ट्रा इसको एडिटिव एडवांटेज पहुंचाने वाले हैं। तो ये अकेला इसका जो प्रोडक्ट है वो इतना जबरदस्त काम करता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, B5, B6, B12। इसके बारे में हमने अभी मल्टी विटामिन में जो जिक्र किया था, आपने जो नोट किया हुआ जिन लोग, तो आप लोग पाएंगे जो मल्टी विटामिन के अंदर कंटेंट थे, विटामिन ए, सी, B1, B2, B5, B6, B12, वो कंटेंट्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं, अपने लिए देख सकते हैं कि क्या क्या काम करता है। जैसे विटामिन B12 को हमने बताया था इसके अंदर कि ये एपेटाइट में, ग्रोथ में, इन सब में जो है मदद करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, प्रोटीन को बढ़ाता है, प्लस हमारे RBC के रीजनरेशन में मदद करता है।
और हमारे नर्व्स के टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज से लड़ने में मदद करता है, जो ब्रेक डाउन होता है जल्दी जल्दी उनको रोकता है। इतना सब कुछ हमने इसमें सीखा था। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। सोडियम फेरिडेटेड, इसके अंदर एक नया वर्ड आया था उसको हमने यहाँ पर अभी एलेबोरेट किया है। उसके अलावा जो फॉलिक एसिड है, ये फॉलिक एसिड भी आपके शरीर के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। ये फॉलिक एसिड बेसिकली हमें अगर हम बताएं तो इसको जो नाम होता है इसका विटामिन B9 कहा जाता है, इसको विटामिन B9 कहा जाता है, लेकिन जनरली ये फॉलिक एसिड के आता है। इस फॉलिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये एनीमिक पेशेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है, जिनके अंदर खून की कमी होती है। ये डीएनए के सिंथेसाइजेशन करता है, बॉडी के अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर गड़बड़ होने लगता है उसको भी ये मेंटेन करता है। अब आप देखिएगा कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उससे फिर जो उसकी जो हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होती है वो भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है, और उसकी जो खूबी होती है वो भी होती है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है कभी कभी माँ से बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर होती है। तो उन सब चीजों को ट्रांसफरिंग के लिए भी जो जिम्मेदार होती चीजें, तो उनके अंदर यदि कोई डिसऑर्डर होगा तो उस डिसऑर्डर को भी रोकथाम करने का काम हमारा ये प्रोडक्ट करने वाला है। तो बहुत ही जरूरी है जब हम इन चीजों के बारे में जानें। ये हमारे अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें ना, तो देखिए लीवर के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, या फिर इनके कहते हैं एग्स के अंदर, इनमें ये पाया जाता है। तो अगर हम इसका नेचुरल सोर्स ले रहे हैं तो आप पाएंगे नेचुरल सोर्स में, यदि मैं प्लांट्स में बात करूं तो गोभी होता है, गोभी कॉलीफ्लावर, गोभी के अंदर ये पाया जाता है, या फिर हरे पत्तीदार सब्जियों में भी ये ज्यादातर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इन चीजों को अपने साथ रखते हैं तो हम एक कैप्सूल इतनी सारी चीजों को न खाकर सिर्फ अपना एक कैप्सूल से ये पूर्ति करते हैं। तो हमारे लिए ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं कि हम इनको जानें, क्योंकि जब तक हम अपनी चीजों के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम किसी को बता नहीं पाएंगे। जब हम उसके गुण नहीं बता पाएंगे, जब हम उसकी क्वालिटी नहीं बता पाएंगे, तो चीज हमेशा महंगी लगेगी। क्योंकि चीज महंगी नहीं होती है, महंगा होता है उसका देखने का नजरिया। हम उसको किस नजर से देख रहे हैं, उसको किस क्वांटिटी में नाप रहे हैं हम, ये महंगा हो जाता है। इसके एफिकेसीज के बारे में जानते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करने वाला है। ये हमारी बॉडी के अंदर RBC का फॉर्मेशन करने वाला है, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करने वाला है। इसकी मदद कौन करता है, इसकी मदद करता है कोएंजाइम Q10, जो हमने देखा था रीजनरेशन में मदद करता है, आरबीसी के रीजनरेशन में, रेड ब्लड सेल्स के रीजनरेशन में मदद करता है। तो हमारी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है हमारा ये Fe+, ये इसके फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। उसके अलावा प्रॉपर मस्कुलर फंक्शंस के लिए भी ये काम करता है। मसल्स कब काम करेंगे बढ़िया से, जब उनको बढ़िया से ब्लड मिलेगा। ब्लड कब मिलेगा, जब हमारे RBC स्ट्रांग होंगे, जब हमारे RBC स्ट्रांग होंगे, जब उनको जरूरत है हमारे Fe+ की। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलराइज करता है, उसको मेंटेन रखता है। बॉडी के टेम्परेचर से मतलब है कि यदि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपको बुखार वाली समस्या नहीं आने वाली है। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हीट अगर बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती है, हीट एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे हार्ट रिलेटेड ऑर्गन की एनर्जी होती है, फायर एनर्जी बोलते हैं उसको। तो वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जब बढ़ने लग जाती है तो हम बुखार महसूस करते हैं अपने शरीर के अंदर। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो दिल को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है वहां पर। जब कोई भी मशीन बहुत ज्यादा चलेगी तो जाहिर सी बात है गर्म होगी। तो यही शरीर यही हमारे शरीर के साथ होता है, जब हमारे शरीर का कोई ऑर्गन बहुत ज्यादा काम करता है तो फिर शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, फिर हम उसको बुखार का नाम देते हैं। सो फ्रेंड्स ये उस टेम्परेचर के मेंटेनेंस में भी काम करता है। उसके अलावा आप पढ़ेंगे इसको तो लिख रहा है पॉइंट कि इट हेल्प्स टू कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को कैरी भी करता है। क्यों करता है कैरी, क्योंकि ये RBC जो होता है ना उसके फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, उस RBC रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन लेके जा रहे हैं, वो ब्लड को साथ में लेकर जा रहे हैं। जब ये सारी सारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहती है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल आयरन डेफिशिएंसी, ये बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी को रोकता है, यानी कि आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी जो कमी होती है, जो एनीमिक रोग होते हैं, जो पीले पड़ जाते हैं, जिनके अंदर खून की कमी होती है, जिनका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, उनको भी आप ये आयरन अपना दे सकते हैं। इट हेल्प्स टू इंप्रूव द कंसंट्रेशन कैपेसिटी, जिन लोगों का माइंड नहीं लगता, जिन लोगों का फोकस नहीं होता है किसी काम में, कहते हैं काम में मन ही नहीं लगता है, हम खोए खोए से रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए भी आप Fe+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस,
ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में भी बहुत मददगार है। किस तरीके से इन्फेक्शन से बचाता है, ये हमारे बॉडी के आरबीसीज को मजबूत करता है, बॉडी के मस्कुलर फंक्शंस को मजबूत करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है, तो ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द प्रोटीन इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर प्रोटीन के प्रोडक्शन को भी मदद करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है उसमें भी इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब आप इसको किस किस को दे सकते हैं, कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को आप इसको दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को दे सकते हैं, एनीमिक पीपल जिनके अंदर खून की कमी है उनको भी आप ये दे सकते हैं। सजेस्टेड फॉर ऑल एज ग्रुप ऑफ पीपल्स, हर उम्र का व्यक्ति इसको ले सकता है जो बढ़ती उम्र में जा रहे हैं। पीपल विद पुअर इम्यूनिटी पावर, जिनकी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। पीपल हु हैव स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, जो लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, या बिल्कुल नींद नहीं आती है, जिनको अपनी नींद से शिकवा शिकायत है, इंसोमेनिया की जो प्रॉब्लम है उसमें आप एफी प्लस दे सकते हैं। टीनेज गर्ल्स फॉर स्पेशली दोज हु विद हैवी मेंस्ट्रुअल लॉसेस, जो लेडीज को हैवी पीरियड्स होते हैं, जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल लॉसेस होते हैं, उनको भी आप एफी प्लस जरूर दें, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम जिंक देते हैं उनको, तो जिंक के साथ में जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को कवर करने के लिए आप एफी प्लस जरूर दें। पीपल विद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोलोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए भी आप ये एफी प्लस जरूर दें। हम एफओएस चलाते हैं, एफओएस के साथ में आप एफी प्लस का भी कॉम्बिनेशन जरूर दें। हम कभी किसी पेशेंट को देखते हैं तो हम उसके लिए बड़े से बड़ा प्रोडक्ट भी उठा के दे देते हैं, तो वो बड़े से बड़ा प्रोडक्ट जो दे रहे हैं हम, तो हम अपने छोटे प्रोडक्टों को भी नजरअंदाज इसमें ना करें। हम इस पे फिर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे पास यदि सिटोसन नहीं है तो हम कौन सा प्रोडक्ट दें लीवर के पेशेंट के लिए। ये वजह जब आ जाती है जब हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। हमारा हर प्रोडक्ट मल्टीफंक्शनल होता है, आप अपने हर प्रोडक्ट के अंदर आपके सारे कंटेंट मिले हुए होते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखें और उन जानकारियों को जब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनको इसका लाभ मिलने वाला है। इस बोतल के अंदर बात करें तो तकरीबन 60 कैप्सूल इसमें निकलते हैं, 0.25 ग्राम का एक कैप्सूल इसके अंदर होता है, और इसको दिन में एक या दो कैप्सूल आप ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी से। इसकी एमआरपी की हम बात करें तो ये 618 रुपए का ये कैप्सूल होता है, 618 रुपए की पूरी बोतल होती है, लेकिन आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर पा सकते हैं, इसको आप 494 रुपए की प्राइस पर पा सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट का पासबुक का कॉपी, ये लगाकर आप अपना एक डिस्काउंट कार्ड बनवाएं और डिस्काउंट कार्ड के साथ में आप इसको 20% के डिस्काउंट पर पा सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ में आप कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं तो वो हर प्रोडक्ट आपको उस डिस्काउंट कार्ड से 20% के मार्जिन पर मिलता है। सो इतनी खूबियों का मालिक आपको सिर्फ 494 रुपए में मिलने वाला है। नेक्स्ट इज हाई फाइबर। हाई फाइबर बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। हाई फाइबर आप देखेंगे इसमें लिखा है प्रीबायोटिक सॉल्यूशन फाइबर फॉर ओवरऑल हेल्थ। ये जो हाई फाइबर है आपका, ये प्रीबायोटिक है। अब प्रीबायोटिक क्या होता है, हमने जो एफओएस शेयरिंग की थी उस एफओएस शेयरिंग में भी हमने प्रीबायोटिक का शेयर किया था। बेसिकली प्रीबायोटिक होता है कि आपके अंदर वो सारे के सारे हेल्दी बैक्टीरिया का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होना, जो हमारे उन सब इन्फेक्शन से लड़ता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है टाइम्स हाई फाइबर। फाइबर क्या होता है, फाइबर होता है वो न्यूट्रिशन जो आज हम अपने खाने से खो चुके हैं। अगर हम अपने बात करें, घर में जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना जो रोटी बनाते हैं हमारे घर के अंदर, उन रोटियों का जब इस्तेमाल होता है तो आज हम मील का आटा लाते हैं, अलग अलग आटे लाते हैं और उसको लाके छानते हैं, उसमें से जो निकलता है उसको हम भूसी कहते हैं, वो भूसी फाइबर होती है। उसको किसको डाल देते हैं, हम उसको हम गाय भैंस को डाल देते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम छान के आटा खाते हैं, बिल्कुल बारीक और महीन आटा हो जाता है हम उसको खाते हैं। वो आटा हमारे किसी का माइक ऑन है, आई थिंक किसी का माइक ऑन है क्या, तो जो आटा फिर हम खा रहे होते हैं वो इतना बारीक हो जाता है कि वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जिसका, तो हमारे आंतों में चिपकने लगता है और फिर हम
कब्ज के शिकार हो जाते हैं, हम कॉन्स्टिपेशन हमें घेर लेता है। हमें चाहिए क्या कि हमें थोड़ा उस भुस्सी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वो डाइट्री फाइबर हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आज गाय भैंस तो हमारी बहुत स्ट्रांग हो रही है और हम बिल्कुल सूख रहे हैं। तो फाइबर द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, ये वो न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग भूल चुके हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कि डाइट्री फाइबर इज द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। ये डाइट्री फाइबर जो होता है, ये प्लांट्स का वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मदद करेगा। किस चीज में? फूड के डाइजेशन में मदद करेगा। प्लस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करने का भी काम करता है। हम देखते हैं कि कब्जियत हो गई है बहुत समय से, लोग घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उनको टॉयलेट नहीं आ रही होती है, तो भी उनके लिए बड़ा जरूरी होता है फाइबर। हमें किस किस सोर्स से फाइबर मिलता है, कौन कौन से रिच सोर्स है फाइबर के? तो आप देखेंगे होल ग्रेन्स, जितने अनाज होते हैं उन अनाज के अंदर ये पाया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर भी ये पाया जाता है, दालों के अंदर भी पाया जाता है, नेचुरल सीरियल्स जितने होते हैं उनमें पाया जाता है, ये नट्स में भी पाया जाता है, ये काजू बादाम में भी पाया जाता है ये फाइबर। तो बड़ा जरूरी होता है इसके बारे में जानना। डू वी गेट एनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट, क्या हम अपने खाने से प्रॉपर मात्रा में जितना फाइबर चाहिए उतना ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे? तो इसके बारे में हमने आप लोगों के साथ में एक शेयरिंग की थी कि हमें फूड की, हमें न्यूट्रिशंस की जरूरत क्यों है, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। अगर आपने वो सेशन सुना हो तो आप पाएंगे कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। सो वी डोंट रिपोर्ट्स कंफर्म, हमें इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं है, हमें इस बात की कोई इल्म नहीं है कि हम वो सारे फाइबर खा पा रहे हैं नहीं खा पा रहे, क्योंकि ऐसा किसने कहा है? ये रिपोर्ट ने कहा है, ये एक जनरल रिपोर्ट है जिस जनरल रिपोर्ट ने कहा है कि हम नहीं ले रहे हैं इनफ फाइबर अपनी डाइट से, जो हम खाना खा रहे हैं उससे आज हमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर नहीं मिल पा रहा है। आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर वन में, ओवर 28% ऑफ द चिल्ड्रेन ईट फास्ट फूड प्रोसेस्ड मील प्रोसेस्ड सीरियल्स, यानी कि क्या कर रहे हैं आज 28% जो बच्चे हैं, 28% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फास्ट फूड को प्रेफर कर रहे हैं, फास्ट फूड जंक फूड को वो प्रेफर कर रहे हैं, ऑयली तले चिकना जल्दी खाना वो लोग खा रहे हैं, मैदे के खाने को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसके अलावा कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज डिक्रीज्ड, आज हमारे खाने के अंदर फलों का और सब्जियों का सेवन बहुत कम हो चुका है, लेग्यूम्स जो रेशेदार खाना होता है वो भी आज हमारा कम हो चुका है, फैट्स एंड ऑयल्स को हमने अपने शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ा दिया है। फैट्स और ऑयल्स हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, ये फैट जो होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन हमने इनका मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, हम ज्यादा ऑयली तले चिकना खाने लग जाते हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। और नो फाइबर इन मीट फिश डेयरी प्रोडक्ट एग्स फैट्स ऑयल शुगर्स, फाइबर किसमें नहीं होता है? मीट के अंदर, फिश डेयरी प्रोडक्ट एग फैट ऑयल और शुगर, इनके अंदर फाइबर नहीं है। We should consume at least 25 to 30 grams of fiber a day. हमें इतना फाइबर पर डे लेना चाहिए, 25 से 35 ग्राम का फाइबर हमें पर डे लेना चाहिए, लेकिन क्या हम ले पा रहे हैं? हम किस तरीके का फाइबर हम लेते हैं, किस तरीके का फाइबर हमें नहीं लेना चाहिए, ये हम देखते हैं। और फाइबर कैसे हैं? फाइबर यहाँ पर दो तरीके के हैं, टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नंबर एक है सोल्यूबल फाइबर, नंबर दो है इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या काम करते हैं और किस तरीके के होते हैं, उनकी कैरेक्टराइजेशन को जानते हैं। सोल्यूबल फाइबर क्या होते हैं? स्लो डाउन द डाइजेशन, ये डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। इट रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन को भी ये रिड्यूस कर देते हैं। अब आप ये जान सकते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल जहां बात आई तो आप जान सकते हैं कि जब इसका जो है रिडक्शन होने लगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्या चाहिए, हमें ये डायबिटीज के अंदर भी रिलेट कर लेना चाहिए। जब ये कोलेस्ट्रॉल को जो है रिड्यूस कर रहा है तो हमें इसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ में भी कंसीडर करना चाहिए। जब आप देख रहे हैं इसको कि ये डाइजेशन को स्लो डाउन कर रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं किस चीज के लिए, पेट रिलेटेड समस्याओं के लिए। तो यहाँ ये तीन पॉइंट से हमें तीन बातें समझ में आई कि हम तीन अलग अलग तरीके की बीमारियों में भी इसकी सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? डायबिटिक पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, और जिनको पेट रिलेटेड समस्या है, डाइजेशन रिलेटेड समस्या है, उन सब लोगों के लिए सोल्यूबल फाइबर जरूरी हो जाता है। इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है?
इनसॉल्युबल फाइबर होता है, इट हेल्प्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, ये खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ले जाने में और उसकी प्रक्रिया में मदद करता है। इट ट्रैप्स एंड रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्स, ये क्या करता है, ये हमारे आंतों की तरफ चारों तरफ एक लेयरिंग कर देता है और वहां से जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो आपके आंतों में चिपकने वाला सब्सटेंस होता है, उसको वहां से वापस निकालने का काम करता है। तो ये एक फाइबर इस तरीके से काम करता है। अब आप पाएंगे कि जैसे कुछ लोग मैदा खाते हैं, जो तला चिकना ज्यादा खाते हैं, तो वो तला चिकना, वो मैदा जो किस में आता है, वो इनसोल्युबल फाइबर की जद में आ जाता है और वो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। बाकी ये सोल्यूबल फाइबर कितना क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल और डाइजेशन में इसको सपोर्ट करता है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जैसा कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं कि सीरम लिपिड्स में मदद करता है, प्लस कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मदद करता है, प्लस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। और इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, लैक्टेशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा तत्व होते हैं उन सबको बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेता है। ये आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मूव करेगा। यहां से आपने खाना चबाया ट्रैक होते हुए पेट तक खाना पहुंचा, फिर वहां से आंतों तक पहुंचा, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये आपके शरीर से जितना भी एक्स्ट्रा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा करता है और मल को आसानी से त्याग करने में आपको आसानी होती है। तो ये इतना जबरदस्त आपके लिए काम करता है। आप इसको अगर कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक फौज खड़ी कर देता है आपके शरीर के अंदर, और जो भी शरारती तत्व होते हैं बॉडी के अंदर, उन शरारती तत्वों को बॉडी से बाहर कर देता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अमाउंट ऑफ फाइबर रिकमेंडेड डेली, हमें कितना फाइबर पर डे लेना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से पर्टिकुलरली आपके सामने चार्ट है। 1 से 3 साल के बच्चे को 19 ग्राम चाहिए पर डे, अगर वो लेडी है तो, अगर वो जेंट्स है तो उसको भी 19 ग्राम पर डे चाहिए। 4 से 8 साल के बच्चे को कितना चाहिए, उसको 25 ग्राम पर डे चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। 9 साल से 13 साल के बीच में जब हो जाता है तो लेडीज के केस में 26 ग्राम और मेंस के केस में 31 ग्राम चाहिए। यही बढ़ते बढ़ते अगर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको 28 से 29 ग्राम चाहिए, और 51 एंड प्लस लोगों के लिए, अगर वो जेंट्स हैं तो उनको 30 ग्राम चाहिए, अगर वो लेडीज हैं तो उनको 21 ग्राम फाइबर चाहिए। ये फाइबर का चार्ट होता है। स्टे हेल्दी विद टाइम्स प्रीबायोटिक हाई फाइबर, प्रीबायोटिक सॉल्यूशन फाइबर इनहांस योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। गुड कोलोन बैक्टीरिया, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स में जो बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारकर, उनको दूर कर ये हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बनाता है। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, हमारे बोन की डेंसिटी को भी बढ़ाएगा। अगर बोन की डेंसिटी कमजोर हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, जिनके अंदर हड्डियां खोखली होने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि हड्डियां खोखली होने से बचाना है तो भी हाई फाइबर का इस्तेमाल आपको जरूरी है। बॉडी को इम्यून करना है तो भी हाई फाइबर का इस्तेमाल जरूरी है। सो आप किस चीज का इंतजार है, हमें हम जानते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, क्या क्या काम करता है, बल्किंग, विस्कोसिटी, फर्मेंटेशियो। ये टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़ी सी, इन टेक्निकल टर्म्स को अगर हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा, मैं शॉर्ट में बताता चलता हूं कि ये क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा और हेल्थ बेनिफिट्स आपको क्या क्या देने वाला है, इंटेस्टाइन के अंदर आपके एक्सक्रीशन में मदद करने वाला है और कॉन्स्टिपेशन से आपको मदद करने वाला है, कॉन्स्टिपेशन को आपको रिड्यूस करने वाला है। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बल्किंग इफेक्ट हो रहा है, इसका क्या काम कर रहा है, ये शरीर के अंदर जाने के बाद मल को त्यागने में आसानी होगी और आपको कब्जियत से आसानी मिल जाएगी। विस्कोसिटी क्या काम करती है इसकी, इसकी विस्कोसिटी करती है कि डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके डाइजेशन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का जो डाइजेशन होता है उसको प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, खाना आराम आराम से पचता है, धीरे धीरे पचता है, तो आपका पेट क्या होता है, आपका पेट बहुत अच्छे से इसमें साफ होता है और उसको पूरा समय मिलता है। फर्मेंटेशियो ये क्या काम करता है, ये एक शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, ये एक छोटी सी चेन बन जाती है बॉडी के अंदर जो क्या क्या काम करेगी, जो आपके कोलोन की हेल्थ और मेटाबॉलिज्म इफेक्ट के लिए काम करती है, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और ऐसा करने से इसको इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपकी पेनक्रियाज पर जो है जाने आता है, आपकी पेनक्रियाज हेल्दी बनी रहती है, फैट बर्निंग का भी काम करता है,
यानी कि आपके जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट होता है उस फैट को भी बर्न करने का ये काम करने वाला है। प्लस ये और ज्यादा किस काम में आएगा, ये आपके बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी कराता है मिनरल्स की, उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, उनको अच्छे से बैलेंस करता है। इतना सब कुछ ये आपके शरीर के साथ होता है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, किस तरीके से ये बेनिफिट होते हैं हमें। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर बेटर हेल्थ एंड वेलनेस, अच्छे हेल्थ और वेलनेस के लिए हमें किस तरीके से ये काम करता है। तो आप पाएंगे ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी ये लोअर्स कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, प्लस उसके अलावा ब्लड नॉर्मलाइज करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, ये कैंसर के एलिमेंट्स को बॉडी से रिमूव करता है, प्लस ग्लूकोज के टॉलरेंस को भी ये इंप्रूव करता है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज हो जाता है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, पता चलता है कि हाथ पैरों में चींटियां काटने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, उसको भी ये मेंटेन करेगा, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ने से डायबिटीज का खतरा हमारा बढ़ जाता है, तो उसको भी ये बर्दाश्त करता है। इट एलिमेंट्स बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, आपकी बॉडी से बैक्टीरिया को रिमूव करता है, इट हेल्प्स टू नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट्स, पेट रिलेटेड समस्याओं को भी ये नॉर्मलाइज करता है। ये इतना सब कुछ आपके शरीर में होता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास वीट, डेक्सट्रिन, रेजिस्टेंस, माल्टेक्सट्रिन, आइनोलिन और ग्वार गम। हमारा जो जबरदस्त प्रोडक्ट है उनके अंदर ये चारों इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है आपके पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। इट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। आप इसको गर्म पानी के साथ में ना लें, और इसको जो लेने की प्रक्रिया है वो क्या है, 1 चम्मच यानी 12.5 ग्राम तकरीबन आप 200 ग्राम पानी में ले सकते हैं, सुबह एक बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं, काय के बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, आप सुबह खाने के बाद इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको खाने में मिला के भी ले सकते हैं, आप इसको दूध के साथ में, कॉफी के साथ में, चाय के साथ में भी ले लें, लेकिन बेटर यह है कि आप इसको पानी के साथ में रेगुलर ले लें। इसका जो MRP प्राइस है वो है 1403 रुपए का, लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहते हैं तो अगेन मैं वही कहूंगा आपसे कि आप अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाएं, और डिस्काउंट कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक का कॉपी बनवाकर आप अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाकर इसको 20% के मार्जिन पर अपने लिए ले सकते हैं। तो आपको होप सो बहुत जबरदस्त लगा होगा प्रोडक्ट, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अब हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, ट्रेनिंग सेशन को, और अब हम आगे अपने अजय सर से रिक्वेस्ट करेंगे वापस कि सर आगे का कार्यभार संभालें, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मोहसिन सर, जबरदस्त आपने जानकारियां दी हैं। आज आयरन के लिए जो